शासन के निर्देशानुसार बुधवार को सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से कोटेदारों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और उपभोक्ताओं के हाथ को सैनिटाइज करने के बाद प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया गया। इस दौरान राशन की दुकानों पर निःशुल्क चावल लेने वालों की भीड़ लगी रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोटेदार ओम कैलाशपति व नवनीत ने कहा, जब कोई आदमी नहीं देखा ये बाण बाण चल पा रहे हैं नियम दो ये दे दो ताकि और बेटा अरे ये बात नहीं आओ ना क्या की व्यवस्था करा रहे हैं। अरे सिर्फ चावल है और क्या बोलते हैं, चावल ही तो मिला है, क्या व्यवस्था कराना है, वो भी निःशुल्क। नवनीत, हमने सैनिटाइजर, साबुन सारी व्यवस्थाएं रखी हैं और चूने से जो है एक एक मीटर की दूरी बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। जी भाई भर ले भी। सोशल और राशन सामग्री कितना उपलब्ध करवाएं एक प्रति यूनिट 5 किलो है, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 15 तारीख से फ्री जो है चावल आया है प्रति यूनिट 5 किलो। मान लीजिए एक कार्ड में 5 लोग का नाम है तो इसको 5 लोग को कितना? 25 किलो चावल। ओम कैलाशपति, हम लोग इस समय तो वर्तमान समय में चावल बांटा जा रहा है जो निःशुल्क है, प्रति यूनिट 5 किलो की दर से बांटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक सवाल है, गोला बना करके हम लोग एक मीटर की दूरी पर बना करके आग्रह कर रहे हैं कि भाई उसी के अनुरूप आप लोग खड़े रहिए और सामान लीजिए। उसके बाद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो उन लोगों को ये कहा जा रहा है किनारे रहिए। लॉकडाउन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का अगर अनाउंसमेंट कराया जाए कि लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।